हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल कंस्ट्रक्ट सिविल इंजीनियर्स एंड कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं हिडन बीम की बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में। आप लोग देख सकते हैं ये हिडन बीम क्या होती है, ये डिस्कस करेंगे एंड इसका कंप्लीट बार बेंडिंग शेड्यूल डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बॉटम बार, स्टॉप बार, स्टीरअप्स, ये सब डिटेल में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये कंप्लीट जो सीरीज है कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल्स ट्रेनिंग CPT सीरीज BBS ऑफ बीम, ये फिफ्थ वीडियो है बीम का। ये कंप्लीट सीरीज आप लोग स्टेप बाय स्टेप पूरा ये जो कंप्लीट BBS कोर्स है फ्री में आप लोग सीख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को समझना है हिडन बीम क्या होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को हिडन बीम के लिए ऑटोकैड ड्राइंग में जल्दी से जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हिडन बीम क्या होती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, फ्लोर प्लान है। हिडन बीम्स होती है ये जो कंप्लीट दिख रहा है आपको, ये वाला जो एरिया है एंड ये जो एरिया है, ये पूरा एक स्लैब है। स्लैब क्या है, S1, एंड ये जो कॉलम से देख रहे हैं ये कॉलम से, ये कॉलम B5, B1, B6, B2, ये मेन बीम्स है। बट यहाँ पे ये जो डॉटेड गिवेन है, ये आप लोग देखेंगे, ये जो डॉटेड गिवेन है ये है हिडन बीम्स, HB, हिडन और कंसील्ड बीम भी बोलते हैं हम लोग इसको। कंसील्ड बीम जो ये स्लैब में छुप जाती है इसलिए हम लोग कंसील्ड बोलते हैं, हिडन बीम दिखती नहीं है। ये जो बीम्स है हम लोग प्रोवाइड करते हैं जहां पर हम लोगों को ब्लॉक वर्क्स प्रोवाइड करना है और स्लैब की लेंथ जो स्पान है वो ज़्यादा हो जाती है, बट हम लोगों को वहाँ पे अगर स्ट्रक्चरली सपोर्ट की ज़रूरत है तो उस टाइप में हम लोग हिडन बीम्स प्रोवाइड करते हैं। ये बीम स्लैब के नीचे देखती नहीं है, तो ये एस्थेटिकल पर्पस भी ये प्रोवाइड करते हैं हिडन बीम्स। अगर हम लोग यहाँ पे सेक्शन कट करेंगे तो ये कैसे दिखेगा, ये देखिए यहाँ पे। अगर ये जो स्लैब S1 है, अगर सिंगल जो वन वे स्लैब है, सिंगल अगर जो है मैश है, तो यहाँ पे बॉटम से देखेंगे इस टाइप से ये जो बार है ये प्रोवाइड होगी, बट डबल मैश है तो जो टॉप की बार्स होगी वो बीम के ऊपर रेस्ट होगी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड ये देखेंगे ये जो स्लैब की डेप्थ होगी, स्लैब की डेप्थ में आप लोगों को बीम प्रोवाइड करना है। ये सेम बीम होती है, ये फंक्शन भी एज अ बीम करती है, बट इसकी जो डेप्थ होती है वो स्लैब की डेप्थ के इक्वल होती है, इसीलिए हम लोग हिडन बीम्स बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं स्लैब की जो थिकनेस गिवेन है, डिटेल्स गिवेन है S1 स्लैब का, एंड यहाँ पे बीम की डिटेल्स गिवेन है। बीम HB 200 विड्थ है, स्लैब की डेप्थ के इक्वल होगी, बॉटम बार 12 की, टू नंबर ऑफ बार्स, एंड टॉप बार 12 की, एंड स्टीरअप्स 2 लेगेड 8 mm एट 150 सेंटर टू सेंटर। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ये जो है कंप्लीट BBS की। यहाँ पे आप लोग BBS में देख सकते हैं जो प्रोवाइड किया हुआ है, क्या हम लोगों ने प्रोवाइड किए हैं। यहाँ पे आप लोग ये देखेंगे ये जो है डाया ऑफ बार्स प्रोवाइड किया हुआ है ये जो, एंड सेकेंड जो है यहाँ पे ये आप लोग देखेंगे वेट ऑफ बार्स जो है ये मैंने लिख दिया है अंडरस्टैंडिंग के लिए, समटाइम्स यूज होता है। एंड यहाँ पे देखेंगे ये जो है, यहाँ पे ये जो दो रो है, ये जो दो रो देखेंगे आप लोग, ये जो दो रो है यहाँ पे वेट जो है मेट्रिक टन्स में भी है एंड केजी में है, जो रिक्वायर्ड होगा आप लोग यूज कर सकते हैं। इसको मैंने लिटिल बिट मॉडिफाई किया हुआ है, ठीक है। तो ये है हम लोगों की बार बेंडिंग शेड्यूल एंड ये है फॉर्मेट एक्सेल शीट में, ये आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। एंड ये जो कंप्लीट कोर्स है फ्रीली अवेलेबल है सिविल कंस्ट्रक्ट चैनल पे। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक में आप लोगों को जो है एक लिंक मिलेगा, वो डाउनलोड कर सकते हैं PDF में और डायरेक्टली जो है गूगल शीट जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग ये हिडन बीम कैसे होगा। यहाँ पे आप लोगों को क्या कर देना है, डाया ऑफ बार, ये जो है यहाँ पे डाया ऑफ बार प्रोवाइड कर देना है। डाया ऑफ बार क्या है, बॉटम की 12 नंबर ऑफ बार्स है, 12 डाया ऑफ बार्स है, 2 नंबर ऑफ बार्स है, यहाँ पे 1 एक मेंबर है,
ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके पहले आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जो है ये डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना है। तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को क्या करना है, ये देख सकते हैं लेंथ, लेंथ जो है 4000 mm है, मीन्स 4 meter है, ये लेंथ ऑफ जो है बीम है। यहाँ पे ये जो आप लोग देखेंगे, ये जो पार्ट है, ये जो है यहाँ पे ये देखेंगे, ये 4 meter लेंथ है। तो ये आप लोग 4 meter जो लेंथ है ये प्रोवाइड कर सकते हैं, या 1500 जो रहेगी। हम लोग ये 4 meter जो लेंथ है ये हिडन बीम की से का डिस्कस कर रहे हैं। ये आप लोग देख सकते हैं सेकेंड, यहाँ पे आप लोगों को क्या प्रोवाइड कर देना है, सेकेंड विड्थ, विड्थ क्या होगी वो प्रोवाइड कर देना है। डेप्थ ऑफ स्लैब मीन्स डेप्थ, स्लैब की डेप्थ जो है वो, स्लैब की डेप्थ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो स्लैब की डेप्थ होगी वो स्लैब की डेप्थ आप लोगों को प्रोवाइड करना है। यहाँ पे ये जो स्लैब की डेप्थ होगी सेम डेप्थ प्रोवाइड करना है। एंड जो स्पेसिंग है 150 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे ये जो पार्ट है यहाँ पे आप लोग थियोरेटिकल कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ समझेगा नहीं तो ये आप लोगों को PDF अवेलेबल होगी। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन आप लोग देख सकते हैं, ये जो है ये स्लैब है, ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे ये जो बार गई है, ये जो बार है, ये जो है स्लैब है। एंड ये स्लैब की बार के ऊपर ये देखिए, ये ऊपर से गया हुआ है, इसके ऊपर बार जो है रेस्ट है। एंड ये जो है ये हम लोगों की बीम है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो जो है टू दो टॉप बार्स है, यहाँ पे ये जो है ये बॉटम बार्स है, एंड यहाँ पे एक छोटा सा जो है रिंग बना हुआ है। इस टाइप से आप लोगों को हिडन बीम्स प्रोवाइड करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है, यहाँ पे ये जो पार्ट है यहाँ पे देखेंगे, ये जो है ये 4 meter की बीम पे, ये जो है 1500 mm की जो है लेंथ की बीम है, ये हिडन बीम्स है स्लैब में। तो इस टाइप से आप लोगों को जो है बीम्स प्रोवाइड करना है। एंड प्रॉपरली जो है याद रखना है कि किस टाइप से बीम्स होती है, किस टाइप से आप लोगों को प्रोवाइड करना है, ये बेसिक डिटेल्स है, ये भी आप लोगों को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। अगर आप लोग ये नहीं समझेंगे तो बीम का कैलकुलेशंस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स लिख दी, 12 डाया ऑफ बार्स है। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे अगर मैं कैंसिल कर दूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो है पूरी लेंथ लेना है, माइनस 2 बैंड्स है तो 2 बैंड्स 1D जो बैंड है वो माइनस कर देना है, तो आप लोगों की लेंथ हो जाएगी। आपको जो एंकरेज है यहाँ पे एंकरेज 300 mm लेना है, क्योंकि बीम में एंकरेज होता है, आपको यहाँ पे LD प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। समटाइम्स हम लोग 150 भी प्रोवाइड करते हैं, तो आपके ऊपर है यहाँ पे 300 प्रोवाइड करना है और आप लोगों को क्या करना है, LD प्रोवाइड करना है और 150 प्रोवाइड करना है। मैंने यहाँ पे एंकरेज जो लेंथ है 300 mm लिया हुआ है। आप 200 स्ट्रेट रखिए, आप लोग जो 300 है इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, जो बीम में एंकरेज होगा तो 200 mm ऐसी आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड 200 mm जो है यहाँ पे आप लोग ऐसे प्रोवाइड कर सकते हैं इस टाइप में। तो इस टाइप में आप लोग L प्रोवाइड कर सकते हैं, L जो रहेगा आप लोग ये जो ऊपर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, नीचे भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जो आप लोगों को कंफर्टेबल रहेगा। ये आप लोग जब कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज, तो आप लोगों की वैल्यू 4.75 जो है 4.7576 कटिंग लेंथ हो जाएगी। आप लोगों को ये पता है कि ये पूरा कैलकुलेट करके आप लोगों को जो है KG में वेट बता देता है, तो ये मैं डिटेल में नहीं जाता। टॉप की बार के लिए भी सेम आप लोगों को करना है, 12 mm डाया बार, 2 नंबर ऑफ बार्स, 1, 2, आप लोग सब डिटेल लिखेंगे तो सेम है टॉप की बार बॉटम की बार, तो 4, 5, 7, 6 आप लोग को की mm ये भी लेंथ आ जाएगी। तो इस टाइप से आप लोगों को टॉप एंड बॉटम की दोनों बार्स का जो है कैलकुलेशंस करना है। मैं ये डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारे बीम की जो वीडियोस है डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे स्टीरअप्स लेना है, स्टीरअप्स के लिए आप लोग जो है ये जो पार्ट है स्टीरअप्स, यहाँ पे 27 नंबर जो है आप लोगों को कैलकुलेट करना है। वो कैसे आप लोग कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टोटल लेंथ ऑफ बीम 4 meter डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्पेसिंग जो है 150 mm प्लस 1, तो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 26 + 1 27 नंबर्स हो जाएगा। तो इस टाइप से आप लोगों को प्रोवाइड कर देना है। ये जो है कटिंग लेंथ किस टाइप से कैलकुलेट करना है, लेंथ एंड
जो विड्थ एंड डेप्थ के हिसाब से, ये कैसा है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ स्टीरअप सीट विड्थ एंड इन डेप्थ प्लस टू हुक लेंथ माइनस फाइव बैंड डिडक्शन। यहाँ पे बी की वैल्यू 112, डेप्थ भी सेम है 112 एंड ये वैल्यूज पुट करेंगे आप लोग तो 568 जो है कटिंग लेंथ हो जाएगी। ये जो स्टीरअप्स की है और रिंग की है, आप लोग इसको कैलकुलेट जब करेंगे आप 27 × 0.568 करेंगे तो यहाँ पे 15.336 ये रनिंग मीटर जो है टोटल कटिंग लेंथ होगी। तो आप जब ये पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं ये 8 mm डाया है, यहाँ पे 8 mm में आ गया, ये जो 12 mm डाया है ये 12 mm में। तो ये जो है ये कैलकुलेट करके आप लोगों को बता दे रहा है 0.02 मैट्रिक टन्स है तो टोटल वेट लगेगा ये एक पर्टिकुलर बीम में। अगर आप लोग केजी में जाएंगे तो केजी में 22.33 kg, इसको क्या किया हुआ है 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो आपको अगर मैट्रिक टन्स में रिक्वायर्ड है तो डायरेक्टली मैट्रिक टन्स में देख सकते हैं, केजी में रिक्वायर्ड है तो केजी में देख सकते हैं। तो होप सो फ्रेंड्स ये हिडन बीम का जो BBS है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को तीन चीजें ये सीरीज में आप लोगों को सीखने मिलती है। फर्स्ट जो थिंग है यहाँ पे आप लोग BBS सीखते हैं, सेकेंड जो पार्ट है यहाँ पे सेकेंड पार्ट में आप लोग जो है कंप्लीट ड्राइंग रीडिंग सीखते हैं एंड थर्ड जो है आप लोग प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि किस टाइप से बीम्स होती है, किस टाइप से कॉलम्स होते हैं, किस टाइप से फुटिंग्स होती है। तो ये आप लोगों को कॉम्बो जो है फ्री में अवेलेबल है। आप जो है ये वीडियोस को सीरीज वाइज देखना तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स जो है वो ज़्यादा क्लियर होंगे एंड इजीली अंडरस्टैंड होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।